हाय गाइस, देखो कुछ लोग पूछ रहे थे, एक्चुअली मुझे वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे कि हाउसफुल 5 वर्सेस भूल भुलैया 3 पे आपका क्या कहना है। कहना क्या है, मतलब वो जो क्लैश होने वाला है दिवाली 2024 में। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई कार्तिक तो भाई निकल ही जाएगा पहले से ही, मतलब इट्स लाइक कि देखो एक बात है कि दिवाली है और दिवाली में दो बड़ी मूवीज़, भूल भुलैया को भी आप बड़ी मूवी बोलो, टी सीरीज़ की फिल्म है, बड़ी मूवी है, बड़ा स्क्रीन लेने का पावर वो भी रखती है। और नाडियाडवाला की जो हाउसफुल 5, ऑब्वियसली वो भी बड़ी है फ्रेंचाइजी, भूल भुलैया भी है और नाडियाडवाला की हाउसफुल 5 भी है। सो इट्स अक्षय वर्सेस कार्तिक। लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि क्या कार्तिक अक्षय से पंगा लेगा, तो उसका रीज़न या फिर उसके बारे में कुछ बताओ। मैं एक बात एक यहाँ पे कहना चाहता हूँ, सिंपल बात है, भूल भुलैया 3 में ऐसा बोला तो जा रहा है कि कार्तिक आर्यन है, लेकिन उसकी स्टार कास्ट अभी तक पूरी अनाउंस नहीं हुई है। तो क्या किसी को ये नहीं लग रहा है कि अक्षय कुमार और कार्तिक आर्यन भी हो सकते हैं दोनों भी उस फिल्म में? यह पहला सवाल है मेरा। मैंने जो एक पहले एक आर्टिकल में पढ़ा था कि अक्षय कुमार, याद करो जब आपने भूल भुलैया देखी थी, वो रियल डॉक्टर दिखाया है, साइकैट्रिस्ट आई थिंक वो, हाँ वो दिखाया है, ऐसा नहीं कि भाई वो नहीं है। लेकिन कार्तिक आर्यन जो रूह बाबा है, रूह बाबा करके, वो एक फ्रॉड कैरेक्टर, एक फेक कैरेक्टर है। तो मैंने सुना है, मतलब ये आर्टिकल कितना सही है कितना नहीं मुझे नहीं पता, ये शायद एक फेक अफवाह भी हो सकती है। यहाँ पे एक बोला गया है कि कार्तिक आर्यन का जो फेक वाला चक्कर है उसके वजह से सच में उसका, वो बहुत मजाक उड़ाता रहता है ना वैसे भी भूतों का, तो वो सच में भूत उसको ही पजेस करने वाले हैं और अक्षय कुमार उसको बचाएगा, ऐसा कुछ एक स्टोरी मैंने सुना है। ये पहला पॉइंट है। और दूसरी एक स्टोरी मैंने सुनी है कि वो तब्बू का ही कुछ कैरेक्टर का, उसको ही लेके कुछ झमेला है। पर जब देखो ये सब अफवाहें भी हो सकती है, तो अगर वैसी चीज़ है तो अक्षय कुमार भी तो होगा यार उस फिल्म में, तो मूवी तो वैसे भी पोस्टपोन हो जाएगी, अक्षय वर्सेस अक्षय तो होने ही वाला है। पर दूसरी बात, बाय चांस अगर उसमें सिर्फ कार्तिक आर्यन है, अक्षय कुमार नहीं है और हाउसफुल है, एक सिंपल बात है, हाउसफुल 4 याद करो, सांड की आंख मूवी आई थी और वो राजकुमार राव की भी एक मूवी आई थी, तीन मूवीज आए थे भाई। लेकिन हाउसफुल 4 एक बैड स्क्रिप्ट के साथ, फरहाद समजी जैसे डायरेक्टर के साथ भी ब्लॉकबस्टर गई थी। तो भाई हाउसफुल 5 तो एटलीस्ट फरहाद समजी के पास नहीं है, अच्छे डायरेक्टर के पास है। फरहाद समजी से तो अच्छा भाई मूवी मैं भी डायरेक्ट कर सकता हूँ यार, छोड़ो मैं तो भाई एटलीस्ट रिव्यू तो करता हूँ, कोई एक नॉर्मल बंदा जो कैमरे के सामने तक बात भी नहीं करता होगा ना, वो भी अच्छा कर पाएगा, सिंपल बात बोल रहा हूँ मैं, उससे बेटर कोई भी कर सकता है डायरेक्शन, 10-15 साल के बच्चे भी कर सकते हैं, तो वो बात ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे अच्छा डायरेक्टर मिल रहा है शायद। तो भाई एक सिंपल बात है, इट्स कार्तिक्स लॉस अगर ये लोग करने वाले एक क्लैश तो, क्योंकि देखो जो पिछली कुछ फिल्में अक्षय की फ्लॉप हुई उसका कंपैरिजन आप ना ओ माय गॉड से करो, ना हेरा फेरी से करो, ना हाउसफुल से करो। भाई खान और देवगन्स भी पंगे नहीं लेते जब अक्षय कुमार की कोई भी फ्रेंचाइजी मूवी आती है, तो एक इट्स अ लॉजिक, तो इट्स बेटर कि कार्तिक सामने से ही शायद हट जाएगा। और नहीं हटता है तो भूल भुलैया 3 भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं चलेगी, सिंपल बात है चलेगी, लेकिन जो भूल भुलैया 3 कलेक्शन सिंगल रिलीज में कर पाएगी ना तगड़ा, और जैसे भूल भुलैया 2 ब्लॉकबस्टर गई थी वैसा, अगर वो चाहते हैं इवन कार्तिक और उसके फैंस भी, तो बेटर है कि क्लैश से हट जाए। और एक सिंपल बात है, क्लैश से हटेगा तो कोई डरपोक नहीं बोलेगा, क्योंकि भाई कार्तिक आर्यन इज़ ए यंग एक्टर, अक्षय कुमार इज़ वेरी एक्सपीरियंस, तो सामने से बाजू हो भी जाते हो तो इसमें कोई किसी का हार या जीत नहीं है, उल्टा वो रिस्पेक्ट होगा अक्षय के लिए, कार्तिक आर्यन का, ये मैं कहूँगा। और मैं चाहता हूँ खुद की, कार्तिक की भलाई के लिए ही मैं चाहता हूँ कि ठीक है दिवाली में रिलीज़ हो रही है, या फिर अगर 1-2 वीक आगे पीछे भी हो जाता है तो भी मूवी अच्छी ही जाएगी भूल भुलैया, उल्टा फ़ायदा है, क्लैश क्लैश होता है भाई, क्लैश यानी कि दो मूवीज़ टक्कर दे रही है, क्या पता शायद तीसरी कोई भी आएगी, वो तो प्रेम की शादी भी शायद आने वाली है ना उस दिन, वो नहीं पता कि वो आने वाली है या नहीं, लेकिन सिंघम तो नहीं आने वाली, ये कंफर्म हुआ है। अक्षय और अजय तो एक दूसरे के साथ
पंगे नहीं लेते। हाँ वो थैंक और वशिष राम सेतु का हुआ था लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं था। बट स्टिल यहाँ पे अगर जो बात मैं पॉइंट ऑफ व्यू जो है मेरा कि यहाँ पे कौन जीतेगा, भाई प्रैक्टिकल बात करूँ तो हाउसफुल फाइव बहुत आगे है, बहुत ही आगे, कंपेयर मत करो। हालांकि मैं सच बोलूँ ना, मैं हाउसफुल फ्रेंचाइजी का उतना ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ जितना मैं गोलमाल फ्रेंचाइजी का हूँ। हालांकि मैं गोलमाल के पहले दो पार्ट्स मुझे सही लगे थे, पार्ट थ्री और पार्ट फोर मुझे एवरेज लगे थे। हाउसफुल की मैं सीरियसली बात करूँ ना, मैं हाउसफुल से कनेक्ट ही नहीं हो पाया। हालांकि मैंने सारे पार्ट्स देखे, बात ये नहीं कि नहीं देखे, पर जो लोग एक्सपर्ट्स हैं हाउसफुल जिनको पसंद है वो लोग बोलते हैं कि पहले दो अच्छे थे पार्ट्स, तीसरे और चौथे अच्छे नहीं थे। मैं सच बोलूँ तो मुझे पता नहीं क्यों भाई, मैं अक्षय को बहुत ज़्यादा, उसके सारे फिल्म्स मुझे पसंद आती है लेकिन मैं आज तक हाउसफुल से कनेक्ट नहीं हुआ यार, नहीं पता नहीं क्यों। मैं उम्मीद करूँगा कि हाउसफुल फाइव थोड़ा अलग ही हो, हटके हो। तो एनीवेज चलो जो भी है वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और यहाँ पे गोलमाल वर्सेस हाउसफुल नहीं चल रहा है, यहाँ पे भूल भुलैया वर्सेस, सिंपल बात है, भूल भुलैया वन मैंने मतलब पागल हो गया था, बहुत मज़ा आ गया था अक्षय कुमार वाली। मुझे भूल भुलैया टू भी मुझे ठीक लगा था लेकिन वो अलोन मूवी देखी थी ना यार मैंने, तो मुझे थोड़ा सा ये लगा यार ये स्टोरी थी क्या इसकी। जब इसका क्लाइमैक्स आया तो समझ में आया कि यार यार ये तो पूरा अलोन जैसी, लेकिन अलोन मूवी किसी ने देखी नहीं होगी वो बिपाशा और करण सिंह ग्रोवर की, वरना वो इतना डिट्टो कॉपी पेस्ट थी ना उसकी एंडिंग कि वो बिपाशा का भी वैसा ही कैरेक्टर था कि जो जिसके साथ वो इतने साल रह रहा था वही विलन रहती और जो मर गई थी भूत, जो भूत बनी थी वो अच्छी थी। अबे डिट्टो कॉपी यार, पर फिर भी चलो अच्छा है भाई, वो भूल भुलैया टू के लिए काम वर्क कर गया, ट्रिक वर्क कर गया। हाँ पर उसमें क्रेडिट थोड़ा सा तब्बू को ज़्यादा जाता है भाई, वो उसने अपने दम पे मूवी को ये किया था। आई मीन ऑब्वियसली कार्तिक आर्यन इज़ द ब्रांड, अब तो बन चुका है ब्रांड, बट स्टिल ओवरऑल मैं जो कह रहा हूँ कि जो काम की बात करूँ तो तब्बू बहुत हाई लेवल का काम था। एनीवेज तो यहाँ पर मैं सिंपल बात बोल रहा हूँ, इट्स बेटर कि कार्तिक आर्यन सामने से हटे, पर अगर नहीं भी हटता है तो जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या होगा फिर, सिंपल बात है, भूल भुलैया थ्री भी चलेगी और हाउसफुल फाइव दौड़ेगी। और भूल भुलैया थ्री को लेकिन जो फ़ायदा एक दो वीक पहले या फिर एक दो वीक बाद में या फिर सोलो रिलीज करने से होगा ना, सिंगल रिलीज से, वो यहाँ पे कलेक्शन थोड़ा कटेगा यार। क्योंकि देखो कोई कितना भी बड़ा एक्टर क्यों ना हो या छोटा एक्टर क्यों ना हो, जब क्लैश होता है ना तब स्क्रीन्स डिवाइड हो जाते, सिंपल बात है। सो क्लैश मुश्किल है, पर जो लोग सिर्फ बोल रहे कि भाई क्लैश हुआ तो क्या होगा, हाउसफुल फाइव आगे रहेगी, पर मैं ये भी कहूँगा अगर भूल भुलैया थ्री में कंटेंट होगा ना तो वो भी आगे जाएगी बॉस। क्योंकि भूल भुलैया को आप ये नहीं कह सकते कि हाउसफुल फाइव आई मतलब क्लैश हुआ तो एक बहुत ही दौड़ेगी और एक निकल ही लेगी, ना ये मत सोचना। ये एक सिंपल वैलिड प्रेडिक्शन दे रहा हूँ मैं। मैं भूल भुलैया को ये नहीं बोल सकता कि ये पूरी की पूरी निकल लेगी हाउसफुल फाइव के सामने। हाउसफुल फाइव अगर 100 में से 90 ले रही है तो भूल भुलैया थ्री भी हाउस 100 में से 70 तो लेगी। जो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं भाई ये 90 लेगी 100 में से तो ये 100 में से 40 पे अटकेगी, ये बात मत सोचना। पर क्या है, मैं चाहता हूँ कि क्लैश ना हो ताकि जो भूल भुलैया है ना, क्योंकि देखो अक्षय कुमार को ना क्लैशेस की आदत है। हाउसफुल फोर सच में क्लैश में रिलीज़ हुआ था और तो भी तगड़ा किया था। हाउसफुल फाइव एक क्लैश में रिलीज़ होगा, अच्छा करेगा। मैं कार्तिक के लिए चाहता हूँ कि वो ना हो क्लैश, क्योंकि एक फ़ायदा नहीं एक बड़े एक्टर के साथ बेवजह का क्लैश लेके, अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है। पता है दिवाली कौन नहीं चाहता है कि दिवाली पर रिलीज़ हो, बट स्टिल देयर इज़ प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हो कि आपको रिकॉर्ड करना है या फिर आपको भूल भुलैया टू का भी रिकॉर्ड तोड़ना है तो क्लैश में नहीं आने चाहिए। अब ये मत बोलो कि यार धाकड़ भी तो भूल भुलैया के साथ क्लैश हुई थी, भाई थोड़ा सा हैसियत की बात है ना। हाउसफुल फाइव और भूल धाकड़ में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्लैश तो कार्तिक ने भी क्लैश के साथ ही जीत गया था वो वाला मैच, पर ये मैच ऐसा नहीं है ना, ये थोड़ा अलग वाला मैच है। हाउसफुल का फिफ्थ पार्ट आ रहा है, भूल भुलैया का भी थर्ड पार्ट है नो डाउट, पर जब सिंगल रिलीज़ होगी ना भाई वो ज़्यादा तगड़ा कमाएगी, मेरा ये कहना है। बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं सिंपल बात बोल रहा हूँ, इट्स लॉजिक यार कि हाउसफुल फाइव विल बी द ब्लॉकबस्टर। देखते हैं कि क्या होता है। मुझे पर्सनली पूछोगे तो मैं इस क्लैश
से एक्साइटेड नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कार्तिक के लिए कि भाई वो मूवी थोड़ा आगे पीछे जाए, पर अगर नहीं भी जाती है ना तो भी मैं बोल रहा हूँ कि वो सर्वाइव करेगी, वो हिट तो लेगी, फ्लॉप तो नहीं जाएगी भाई, ये मैं गारंटी बोल सकता हूँ। आपके क्या व्यू है कमेंट्स में बताइए।